नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। मंदिर की चौकसी और शांति व्यवस्था के लिए पूरे दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है। जागेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ की मान्यता के अनुसार जागेश्वर मंदिर में महिला भक्तों की बड़ी ही आस्था है। आज भी लोग यहां गाय के दूध से जलाभिषेक करने आते हैं। इसका एक पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि सावन के महीने में इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर काले सर्पों का वास होता है, लेकिन श्रद्धालुओं के पूजन के दौरान किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के साथ एक कटोरे में नागदेवता के लिए भी दूध रखते हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के जंगल में बंजारे गाय चराने आया करते थे। रोजाना गाय एक स्थान पर रुककर दूध निकालती थी। कुछ शंका होने पर बंजारों ने खुदाई की तो ये शिव की लाश जमीन से निकली थी, जो सर्पों से लिपटी हुई चमचमा रही थी, जिसे देख बंजारे भाग गए। कई दिनों तक वह शिवलिंग ऐसे ही बनी रही। काफी समय बाद जब उधर से कस्बा के लोग गुजरे तो उन्हें अंधेरे में रोशनी सी दिखाई दी। समीप जाकर देखा तो लोग हतप्रभ रह गए। बाद में लोगों ने सुरक्षित निकालकर इसे यहां स्थापित करा दिया था, जो आज जागेश्वर महादेव नाम से दूर दूर तक विख्यात है। इस मंदिर में महिलाओं की बहुत आस्था बताई जाती है। जहां शिवरात्रि या सावन में महिलाएं बड़ी तादाद में आकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उनकी पूजा करती हैं और दूध से उनको स्नान कराने के बाद शिवलिंग के पास दूध भरा कटोरा रखती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में रहने वाला नाग नागिन का जोड़ा वो दूध पी जाता है। महिला भक्तों ने पूजन करने के बाद मंदिर परिसर में बैठकर ढोलक मंजीरा के साथ जमकर भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। मंदिर के पुजारी महेश चंद्र पांड्या ने बताया कि मंदिर का प्राचीन इतिहास है। जागेश्वर धाम की खास विशेषता है कि सावन के सोमवार को यहां जनसैलाब उमड़ता है और लोग दूध से जलाभिषेक करते हैं। कांवरिये कांवर लेकर जाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।